कांग्रेस बनाम कांग्रेस, जी हाँ, राजस्थान विधानसभा में कुछ यही नजारा देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुई तनातनी तो अब शांत हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक नई फांस नजर आ रही है। पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को टिकट न मिलने से उनके समर्थकों द्वारा राजस्थान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन साफ दिखाता है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उम्मीदवारों को टिकट न मिलने से खफा पार्टियों के कार्यकर्ता सिर्फ सड़कों या राज्य के पार्टी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने फुलेरा में हुए टिकट वितरण को लेकर भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आए एक व्यक्ति ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस की हार हो, इसलिए वहां के स्थानीय को ही टिकट मिलना चाहिए। अब की बार राजस्थान की जयपुर जिले की जो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और जो आपके जो मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी के आलाकमान तक, शीर्ष नेतृत्व तक, जो प्रदेश नेतृत्व तक हमारी बात पहुंचे, जो फुलेरा विधानसभा है वहां पर स्थानीय उम्मीदवार जो 15 प्रत्याशी है, 15 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे हैं, जो अब की बार स्थानीय उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो अब की बार जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, हमारे राहुल गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान है, उससे हमारा निवेदन है कि निश्चित रूप से हमारी मांग पहुंचेगी और शीर्ष नेतृत्व के हमारी मांग पहुंचे। जो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं दिल्ली, जब तक फुलेरा विधानसभा के एक आम कार्यकर्ता को या स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे, जब तक हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, फुलेरा बचाओ। वहीं बीती रात हुए बाड़मेर में भी टिकट वितरण को लेकर पार्टी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए टायर जलाए और नारेबाजी भी की। वहीं महेश जोशी को जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों में काफी रोष है। उनके समर्थकों ने कहा कि उनका नाम सबसे पहली लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन 4 लिस्ट निकल गई है, अभी तक उनका नाम नहीं आया। हवा महल क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री हमारे डॉक्टर महेश जोशी सर्वमान्य लीडर हैं, सर्व समाज में लोकप्रिय हैं। आज उनका टिकट राजस्थान में सबसे पहली लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन 4 लिस्ट लगातार निकल चुकी, महेश जोशी जी का नाम नहीं है। और हमें हमारे महेश जोशी जी के अलावा कोई और उम्मीदवार का नाम लिया तो उसका भारी विरोध रहेगा। महेश जोशी जी के अलावा हमें हवा महल क्षेत्र से कोई नहीं चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार है, कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे महेश जोशी, और हमें महेश जोशी जी चाहिए, महेश जोशी जी के अलावा कोई नहीं। राजस्थान में टिकट को लेकर चल रही छिंटाकशी के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक है, हर पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ सब में। फैसले होते हैं 100%, मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन तो के चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे समय बाइनदार सबकी सलाह से हुआ है, बाइनदार। अब उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत आ सकती है, पर चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए। अब देखना यह होगा कि इस अंदरूनी विरोध के बीच क्या राजस्थान कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल हो पाती है या नहीं। बता दें कि राज्य में लोग अपनी नई सरकार को चुनने के लिए 25 नवंबर को मतदान करेंगे।